हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप एंड आई विश टू गॉड यू ऑल आर बी फाइन विथ योर फैमिली, विथ योर एम. अपने एम के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए. आई एम दिग्विजय सिंह. आई विल टीच यू मैथ्स ऑफ क्लास 10th, टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. इन प्रीवियस वीडियो आई हैव सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फार्मूला, विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, विद द हेल्प ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल वेन द गिवन वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल. हाउ कैन यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट, हाउ कैन यू फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल, अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड आई होप यू ऑल बी इंजॉय विथ माई वीडियोज एंड डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. तो अगर इंजॉय कर रहे होंगे तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए, वो हमारे लिए थोड़ा सा बूस्टिंग रहेगा. ओके, नाउ स्टार्ट. द क्वेश्चन इज दिस: पॉइंट पी डिवाइड द लाइन सेगमेंट देन गिवेन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए 2, 1. यानी पॉइंट पी डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी. वर्टिसेस हैव बीन गिवन सच दैट ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू 1/3. ए पी अपॉन पी बी, पी बी नहीं, ए बी. ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1/3. ठीक है, ये ए बी है. तो बेटा इसको समझिए, ये दूसरा क्वेश्चन है, हमने लिख दिया, समझाएंगे इसको अभी. ये लाइन सेगमेंट मान लीजिए ए बी है. ओके, 2, 1 और 5 - 8. ए क्या है? 2, 1 और बी 5 - 8. पी एक पॉइंट है जिसको 1, ये पूरा 3 है और ये 1 है. इसको ऐसे करिए, सॉल्यूशन दे रहे हैं इसका. लेट ए पी इज इक्वल टू 1x, 1 × x, एंड ए बी इज इक्वल टू 3x. ध्यान दीजिएगा, ए बी 3x है. तो ए पी प्लस पी बी, ये p है, इज इक्वल टू ए बी है. ए पी क्या है? x, 1x यानी x. अब प्लस पी बी इज इक्वल टू 3x. तो पी बी क्या हो जाएगा? 3x - x. पी बी 2x हो गया. ध्यान रखिएगा, तो ए पी अपान पी बी निकाल लीजिए, x अपान 2x यानी 1/2. तो ए पी इज टू पी बी हो गया 1:2. क्लियर हुआ? कोई डाउट? ए पी इज टू पी बी क्या हो गया? 1/2 यानी 1:2. यानी अब हम सेक्शन फार्मूला का यूज करेंगे. देखो बेटा, पहले क्या दिया था? ए पी और ए बी का रेशियो दिया था, तो हमने ए पी और पी बी का. अब सेक्शन फार्मूला क्या कहता है कि अ पॉइंट टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट. क्या है पॉइंट पी? पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट. हम क्या करेंगे यहाँ पे? के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम पी का कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे और इस पॉइंट से होके ये इस इक्वेशन की लाइन जा रही है, तो वो जो कोऑर्डिनेट्स निकलेगा वो एक्स वाई होगा. चूंकि इसमें एक्स वाई है, इसको हम और कुछ मान लें, 1m 3m मान लीजिए, या m ना मान के a मान लीजिए, स्मॉल a ज़्यादा बेटर रहेगा. तो a रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, a मान लीजिए इसको a. ओके, क्योंकि इसमें x है, कट जाएगा, a मान लीजिए. तो अब जो वैल्यू आएगी वो x और y की वैल्यू होगी, रख देंगे तो k की वैल्यू निकल. सबसे पहले तो सेक्शन फार्मूला का यूज करके हम क्या करते हैं, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं जो किसी दिए हुए लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड करती है. यही होता है सेक्शन फार्मूला, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट विच डिवाइड अ गिवन लाइन सेगमेंट इन गिवन रेशियो. तो अब यहां हमने ए पी और पी बी का रेशियो निकाल लिया. तो यूजिंग सेक्शन फार्मूला, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या हो जाएगा? ये आपका एक्स वन वाई वन हो गया और ये आपका एक्स टू वाई टू हो गया. तो क्या हो जाएगा? पी का कोऑर्डिनेट्स हम कुछ भी मान लें. पी का कोऑर्डिनेट्स क्या मान लें हम? पी का कोऑर्डिनेट्स मान लें आर एस, आर एस मान लें.
तो R इज इक्वल टू हो जाएगा एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपान एम वन प्लस एम टू, ठीक है। R की वैल्यू पहले निकाल लें। एम वन क्या है ध्यान दो बेटा, एम वन वन हो जाएगा, एक्स टू हो जाएगा फाइव प्लस एम टू टू हो जाएगा और एक्स वन हो जाएगा वन टू सॉरी अपान वन प्लस टू, ये हो जाएगा फाइव प्लस फोर अपान थ्री नाइन अपान थ्री, यानी आर हो गया थ्री। आर क्या हो गया थ्री। अब हम यहाँ निकालते हैं एस जो हमने माना है पॉइंट पी का, लिख सकते हैं लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी बी आर एंड एस। एस इज इक्वल टू एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपान एम वन प्लस एम टू। अब इसको निकाल लें, एम वन वन इंटू वाई टू माइनस एट प्लस एम टू, एम टू क्या है टू, ध्यान दीजिए एम वन वन हो जाएगा और एम टू टू हो जाएगा, तो एम टू टू इंटू वाई टू, वाई टू वन है अपान वन प्लस टू, ये हो जाएगा माइनस एट प्लस टू अपान थ्री माइनस सिक्स अपान थ्री माइनस एट प्लस टू, यानी माइनस टू हो गया, एस माइनस टू हो गया। तो पी का कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया आर एस, यानी क्या हो गया बेटा थ्री और माइनस टू। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्या हो गया थ्री और माइनस टू हो गया, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे कि पॉइंट पी लाइज लाइज ऑन द लाइन 2x माइनस वाई प्लस के इज इक्वल टू जीरो, देयर फोर एक्स इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू थ्री हो जाएगा एंड वाई इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू माइनस टू हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हम यहाँ निकाल लें बेटा, ध्यान दीजिए सिस्टम से लगाते जाएं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 2x माइनस वाई प्लस के इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 3 माइनस वाई, वाई की वैल्यू क्या है माइनस टू प्लस के इज इक्वल टू जीरो, सिक्स प्लस टू प्लस के इज इक्वल टू जीरो, एट प्लस के इज इक्वल टू जीरो और k इज इक्वल टू जीरो माइनस एट, यानी k की वैल्यू क्या आ गई माइनस एट आ गई, कोई दिक्कत नहीं आ गया आंसर। तो ध्यान दो बेटा जब भी कोई पॉइंट पॉइंट पे किसी लाइन पे अगर कोई लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दिया हुआ है एक लीनियर इक्वेशन तो वो एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, अगर वो पॉइंट उस लाइन पर है तो इसका मतलब जो उसकी वैल्यूज होंगी उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ये आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा और टेंथ में भी पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जो पढ़ा होगा, तो उस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बशर्ते हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें इस जो रिलेशन दिया इस रिलेशन से हमने इसका और इसका रेशियो निकालना है, फिर सेक्शन फार्मूला का यूज करके इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालना है, वो जो कोऑर्डिनेट्स आएगा उसको एक्स और वाई की वैल्यू पर रख देना है तो के की वैल्यू आ जाएगी, बस एक क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ये लगा और एंड यहाँ हो गया, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि बोर्ड छोटा है इसलिए हम उस क्वेश्चन को ऐसे फिगर बना के रख दिए हैं, हम समझा देंगे तो आप समझ जाएंगे क्वेश्चन क्या है, कोई डाउट होगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से आप लगा सकते हैं बेटा, ये एक्स वाई है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इसको मिटा दे रहे हैं। ए बी सी डी क्या है एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन क्या है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी और सी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। अब आपको इसके फोर्थ वर्टेक्स का हम यहां बना दे रहे हैं, अब बड़ा सा फिगर, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये ए बी सी डी, डी का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, ये माइनस टू थ्री है, ये सिक्स सेवन है, एट थ्री है, आपको डी का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
-23 है, 67 है और 83 है। तो ज्वाइन एसी एंड बीडी, एसी और बीडी को ज्वाइन कर दें। इंटरसेक्ट एट ओ, इंटरसेक्ट एट ओ। अब ध्यान दो बेटा, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफोर ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी। तब ओ क्या हो जाएगा, ए सी और बी डी का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट क्या होता है, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू, वेयर एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू आर द एंड पॉइंट्स ऑफ दैट लाइन सेगमेंट व्हाट एवर मिड पॉइंट्स। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ ऑफ लाइन सेगमेंट एसी क्या हो जाएगा, एसी के लिए ध्यान दो बेटा, माइनस टू प्लस एट अपॉन टू और थ्री प्लस थ्री अपॉन टू, यानी सिक्स अपॉन टू और सिक्स अपॉन टू, यानी ये हो जाएगा थ्री थ्री। ध्यान समझिएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, थ्री थ्री हो गया। अब एसी के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ ऑफ लाइन सेगमेंट बीडी, बीडी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बेटा, एक्स प्लस सिक्स अपॉन टू और वाई प्लस सेवन अपॉन टू। तो इसी ओ का कोऑर्डिनेट्स एसी के अकॉर्डिंग थ्री थ्री आ रहा है, और इसी ओ का कोऑर्डिनेट्स बीडी के अकॉर्डिंग एक्स प्लस सिक्स बाई टू एंड वाई प्लस सेवन बाई टू, यानी दोनों को कंपेयर कर लेंगे, देयरफोर एक्स प्लस सिक्स बाई टू इज इक्वल टू थ्री, एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू थ्री इंटू टू, एक्स इज इक्वल टू सिक्स, थ्री इंटू टू सिक्स हो जाएगा माइनस सिक्स, यानी एक्स इज इक्वल टू जीरो आ गया, ठीक है। और y प्लस सेवन अपॉन टू इज इक्वल टू थ्री, तो y प्लस सेवन इज इक्वल टू सिक्स, टू थ्री जा सिक्स हो जाएगा, y इज इक्वल टू सिक्स माइनस सेवन या y इज इक्वल टू माइनस वन। तो देखो x की वैल्यू जीरो आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई, ध्यान दो बेटा, x की वैल्यू जीरो और y की वैल्यू, ध्यान समझिएगा, y की वैल्यू माइनस वन। तो वर्टेक्स ऑफ d अब आराम से निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ d दिखाई दे रहा है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी हो गया जीरो और माइनस वन। कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया बेटा, जीरो और माइनस वन, यानी एबसीसा जीरो हो गया और ऑर्डिनेट माइनस वन हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन लगते हैं, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग कुछ नए सॉल्यूशंस के, नए प्रॉब्लम के साथ आएंगे, तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, थैंक यू।